हिंदुस्तान से असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि माहौल जुड़ावी है। बीजेपी को ओवैसी का खुला चैलेंज, दंगों को रोकने का कम्युनल वायलेंस बिल लेकर के आए बीजेपी, ये कहा है। दरअसल दंगा ना रोक पाने वाले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, इस बिल के तहत आप अगर कानून लेकर के आ जाते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इसमें अल्पसंख्यकों को कैद करने वाली पार्टी करार दिया है समाजवादी पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी हैं और डोर डोर कैंपेन की शुरुआत उन्होंने कर दी है धुलाना विधानसभा से। सर, ये जन सैलाब क्या कहता है? अच्छा, इसको वोट में कन्वर्ट करना हमारे लिए एक चैलेंज भी है और हिम्मत भी, हमारे हौसले बढ़ते हैं। अच्छा रेस्पॉन्स है सर। धुलाना विधानसभा पिछली बार बात की जाए तो यहाँ से बसपा ने जमाया था अपना कब्जा, लेकिन इस बार आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो भाग गए, समाजवादी पार्टी में दल बदलू है, कुछ काम नहीं किया उन्हें पांच साल में, कभी जनता के दरमियान नहीं रहे। हाजी आरिफ हमारे जो प्रत्याशी हैं, मेहनती हैं और एक जज्बा रखते हैं और पूरी विधानसभा की तकालीफ मसाइल उनको अच्छी तरह मालूम। सर, ये बीजेपी कानून हवाला दे रही है कि जो जिस तरह से दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर दंगे, अगर सपा आ जाएगी तो दंगे फिर से होने लगेंगे। देखिए, उस पर क्या आप कहेंगे? मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूँ, दंगों को रोकने का कम्युनल वायलेंस बिल बना दीजिए। कौन नहीं बनाते आप, क्यों नहीं बनाते, बनाइए। आप दंगों को रोकने का कम्युनल वायलेंस बिल बनाइए और उसमें यह प्रोविजन रखिए कि जो पुलिस का ऑफिसर अगर दंगे को नहीं रोकेगा तो उसका सस्पेंड हो जाएगा। ये कानून बना दीजिए, आप कानून क्यों नहीं बनाना चाहते? सर, अखिलेश और जयंत की जो एक तरह से जो चल रही है उसको कैसे देख रहे हैं आप? हमको उनकी फिक्र नहीं, हमको अपनी पार्टी की फिक्र है। एक बात याद रखिए कि अखिलेश यादव के खुद सहयोगी पार्टी ने, उन्होंने बयान दिया कि 45% हमने मुसलमान टिकट काट दिए। तो समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम अल्सम के समाज के जिम्मेदार है, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप क्या खैदी हैं उनके, आप क्यों रह रहे हैं जब इतनी बेइज्जती की जा रही है। और जो अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है कि अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब पतंग को जिताएंगे, उनका नारा है और उनका पूरा अटूट ये ऑब्जेक्ट। सीट का अनुमान देखिए, ये बात तो जनता तय करेगी, हमारा काम यह मेहनत करके उनके दिल को जीता जाए, उनको कन्विंस किया जाए और वो हो रहा है।